कुक विद फरा को सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को दबाइए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इट्स टोटली फ्री। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कटहल का स्टू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कटहल की सब्जी आप बहुत तरीक़ों से बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। यहाँ मैंने कटहल का स्टू बनाया है, इसे मैंने खड़े मसालों से बनाया है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए हैं और ये कटहल की सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कटहल का स्टू बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने यहाँ कटहल लिया है, इसे जैक फ्रूट भी बोलते हैं। इसे मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका ऊपर का छिलका हमें निकाल देना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको कट करते टाइम जो इसमें से वाइट पेस्ट निकलता है अगर हमारे हाथों पे चिपकता है तो हमें हाथों में सरसों का तेल अप्लाई कर लेना होता है और नाइफ में भी। और चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज का अनियन लिया है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ कुछ साबुत मसाले लिए हैं, खड़े साबुत मसाले हैं जिसमें 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लाल मिर्च लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टी स्पून सौंफ लिया है, 1 खड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची लिया है, 8 से 10 यहाँ मैंने काली मिर्चें ली हैं, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 हरी मिर्च है जिसे मैंने स्लेट कर लिया है, 1 अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 1 मुट्ठी भरकर धनिया है जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसको आप ज़रूर से ऐड करिएगा, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस करना है तो मिर्च की क्वांटिटी आप और ले लीजिएगा। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेना है, पैन हमारा गर्म हो चुका है, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर देना है, ऑयल हमारा प्रॉपर गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें सभी कटहल को ऐड कर देना है, जो मैंने कटहल के पीस लिए है उसको सभी को इसमें ऐड कर देना है और इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। कटहल को आप जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर रेडी होगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कटहल हमारा नीचे से जल जाएगा। ये देखिए कटहल हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल कर हम एक साइड में रख देते हैं। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर लेते हैं, उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज किया, आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं बट सरसों के तेल में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें सभी हमें खड़े मसालों को ऐड कर देना है और इसे बस हमें 1 मिनट के लिए सॉटे करना है जिससे कि तेल में इसका फ्लेवर रिलीज हो जाए। अब इसी दरमियान इसमें हमें प्याज को भी ऐड कर देना है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है, इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए बस तब तक हमें प्याज को फ्राई करना है। स्टू में हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, तभी हमारे स्टू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और प्याज को हमें चलाते रहना है जिससे कि प्याज हमारी जले नहीं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसी दरमियान इसमें हमें लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक भी ऐड कर देना है और इसे भी बहुत अच्छे से, अब सभी को हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है जिससे कि तेल में सभी का फ्लेवर रिलीज हो जाए। सभी मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं सभी मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसी दरमियान इसमें हमें टमाटर को ऐड कर देना है और टमाटर को ऐड करते ही साथ में नमक ऐड कर देना है जिससे कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को डालते ही फौरन इसमें नमक ऐड करने से टमाटर हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अब टमाटर को हमें प्याज के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है जिससे कि टमाटर हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारा बहुत सॉफ्ट हो चुका है।
अब इसमें हमें कटहल को ऐड कर देना है, जो कटहल को हमने फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर देना है, और मसाले के साथ कटहल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और प्याज टमाटर और सभी मसालों के साथ कटहल को भी हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसी दरमियान इसमें हमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है, और इसे भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर कटहल और सभी मसालों में ऐड हो जाए। अब इसमें हमें 1/2 कप पानी ऐड कर देना है, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कटहल आपका कड़ा है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें ग्रीन चिली ऐड कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और इसे हमें इसकी लिड लगाकर 2 से 3 सीटी आने तक इसे हमें कुक कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, और इसके प्रेशर को हमें ऑटोमेटिकली रिलीज़ करना है, जिससे कि ये भाप में और अच्छे से गल जाए, जिससे कि कटहल हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। ये देखिए, कटहल की सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, ये बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें ड्राई कर लेना है। हमें इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि तेल हमारा सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, इसे हमें लगातार चलाते रहना, नहीं तो सब्जी हमारी जल जाएगी। ये देखिए, तेल हमारा सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसी दरमियान इसमें हमें धनिया पत्ते को ऐड कर देना है, और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। ये देखिए, कटहल का स्टू हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कटहल का स्टू हमारा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आई होप आपका भी कटहल का स्टू बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। ये मटन स्टू से कम नहीं लगता खाने में, आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर जितना अच्छा है, इसका टेस्ट उससे भी अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करिए। आप इसे रोटी पूरी किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये चावलों के साथ भी बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।